साथ पद्मश्री योगेश्वर दत्त जी मौजूद हैं जो चीफ गेस्ट के तौर पर आज एकल रन में आए हैं, तो उनसे ही बातचीत करते हैं। पूरी तरीके से ग्रीन इवेंट है सर, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं एकल रन के आयोजकों को कि उन्होंने इतना अच्छा ये प्रोग्राम इंतजाम किया है और युवाओं में जोश है, बड़े बुजुर्गों में, महिलाओं में बड़ा जोश है, हजारों की संख्या में यहाँ पे आए हैं और पूरा ग्रीन इवेंट ये ग्रीन रन ये की हुई है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सभी को मेरी शुभकामनाएं और ऐसे ही हमें पर्यावरण भी बचाना है और अपने आप को भी फिट रखना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं एकल रन आयोजकों को। भारत को 100 से ज्यादा मेडल मिल चुके हैं एशियन गेम्स में, क्या कहना? देखिए, आज तक का ये इतिहास में आज तक के सबसे ज्यादा मेडल हमने 100 का आंकड़ा पार किया, जो टारगेट लेके चले थे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का टारगेट था कि भाई खेलों में भी हमें विश्व शक्ति बनना है, उसकी तरफ धीरे धीरे कदम हमारे आगे बढ़ रहे हैं। बात चाहे एशियन गेम्स की हो, ओलंपिक की हो, कॉमनवेल्थ गेम्स की हो, हमने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बार ये इतिहास रचा गया कि हमने, चाहे गोल्ड की बात हो, सिल्वर की बात हो, ब्रॉन्ज की बात हो, तो हर उसमें सुधार किया है। और जो 100 का आंकड़ा था, ये लगभग 107 या 108 मेडल हमने एशियन गेम्स में जीते हैं आज तक का, ये बड़ा बेहतर रिकॉर्ड रहा है। और ऐसे ही अगले साल जो पेरिस में ओलंपिक होंगे, पिछली बार हमने टोक्यो में 7 मेडल जीते थे, तो इस बार हमारा टारगेट है कि 10 से ज्यादा मेडल हम यहाँ पे जीते। 15 यंगर जनरेशन की जो आज एक्साइटमेंट हम देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सभी यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे, ये तो इनके अंदर जुनून है ही, पर मैं ये बोलूंगा कि आप लोगों के माध्यम से जितने भी लोग हैं, जितने भी दिल्ली वाले हैं, पूरे देशवासी हैं, सुबह उठिए, अपने आप को फिट रखिए, दौड़ लगाइए, देश के लिए दौड़ लगाइए, क्योंकि हम दौड़ेंगे तो देश दौड़ेगा। एकल अभियान के बारे में क्या? देखिए, एकल अभियान बड़ा अच्छा है, गांव देहात आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ा अच्छा कदम है उनका। अभी यहाँ भी मैं बच्चों से मिला था, मेवात से नू से बच्चे आए हुए थे, स्कूलों के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो देश का हर बच्चा खेलेगा, पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो देश आगे बढ़ेगा।